अमृतसरी पनीर भुर्जी, ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप पनीर खाने के शौकीन हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, और इस रेसिपी को हमने थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाया है, जिससे ये पनीर भुर्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे आप रोटी, पराठा या ब्रेड के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं पनीर भुर्जी। तो सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं, जैसे कि हमने प्याज को पहले ही कट करके रख लिया, 8 से 10 के लिए हमने लहसुन के लिए, 4 हमने हरी मिर्च लिए और थोड़ा सा हमने अदरक लिया है। ये सारी चीज़ें मिक्सर जार में डाल दी हैं और इसको बिल्कुल बारीक बारीक क्रश जैसा करना है हमें, या आप चॉप कर सकते हैं या क्रश कर सकते हैं या फिर ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिए। तो देखिए, हमने एक पैन लिया है, इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम सरसों का तेल ऐड करेंगे, आप चाहो तो कोई भी रिफाइंड तेल ले सकते हैं। और अब हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया, इसमें हमने जीरा डाल दिया और जो हमने लहसुन अदरक हरी मिर्च क्रश करके रखे थे ना, वही हमने इसमें ऐड कर दिए। इसको अच्छे से भुनने देंगे, जब ये अच्छे से भुन जाएंगे और कच्चापन चला जाएगा तब हम इसमें 2 टेबल स्पून हम बेसन ऐड करेंगे, और इस बेसन को भी हम लो फ्लेम पर अच्छे से भुनने देंगे। हमें बेसन को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बस हल्का सा भूना है, बस इसमें हल्की सी जब खुशबू आने लग जाएगी तुरंत ही हम इसमें बारीक कटे हुए हम 2 प्याज ऐड कर देंगे। तो देखिए, हमने 2 बिल्कुल बारीक कटी हुई हमने प्याज इसमें ऐड कर दी है और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो इस समय हमें गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, जब प्याज हल्की सी सॉफ्ट दिखने लग जाएगी उसके बाद हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए, इधर जब तक प्याज अच्छे से भुन रही है तब तक हम टमाटर को बारीक बारीक कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने 2 टमाटर लिए हैं, 2 टमाटर को हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और उधर देखिए, उतनी ही देर में प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, मतलब कुक हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच की करीब देगी मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर, थोड़ा सा हमने गरम मसाला ऐड किया है और नमक अपने स्वाद के अनुसार ही ऐड करेंगे। और अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, मसालों को थोड़ा सा भुनने देंगे। जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तब हम उसके बाद टमाटर को डाल देंगे इसमें। अब हम देखिए, आप चाहो तो टमाटर की प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने बारीक चॉप करके ही डाला है। इसको अच्छे से कुक होने देंगे। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे कि टमाटर अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए, जब तक टमाटर कुक हो रहा है तब तक हम कैप्सिकम को अच्छे से कट कर लेते हैं। तो देखिए, ये देखिए, हमने एक कैप्सिकम लिया है, इसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। तो आप चाहो तो कैप्सिकम, ये ऑप्शनल है, आप इसे डाल भी सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कैप्सिकम का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, हमने कैप्सिकम को अच्छे से कट कर लिया, अब इसको हम साइड कर देते हैं। और देखिए, उतनी ही देर में टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं और इसको हल्का सा इसको मैश कर देंगे टमाटर को, जिससे कि ये मैश ही हो जाए अच्छे से। तो मतलब हमने पीस के नहीं डाला ना, आप चाहो तो इसको ग्रेट करके या पीस के भी डाल सकते हैं टमाटर को। तो देखिए, टमाटर को हमने अच्छे से मैश कर लिया और अब हम इसके अंदर जो हमने कैप्सिकम कट कर कर रखा था एक, वही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा कुक होने देंगे। तो देखिए, कैप्सिकम को भी हमने अच्छे से भून लिया है और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और ऐड करेंगे। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, इधर ये चीज़ तो ये तो बन के तैयार हो चुका है। अब हम पनीर को ग्रेट कर लेते हैं, या फिर इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, या तो आप मैश कर लीजिए। ये घर का ही बना हुआ फ्रेश पनीर है, इसलिए से हाथ से मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, क्योंकि ग्रेट करने में थोड़ा सा गीला ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि अभी अभी बनाया था ये। तो ये देखिए, पनीर को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इस पनीर को हम तुरंत ही हम जो हमने टमाटर प्याज वगैरह सब कुक करके रखा है ना, उसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। तो देखिए, हमने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया, अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए, इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको अच्छे से कुक होने देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे कि जो इसमें पनीर जो है ना, थोड़ा कच्चापन होगा, पनीर भी अच्छे से कुक हो जाएगा। और 1/2 कप के करीब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, क्योंकि अमृतसरी पनीर भुर्जी थोड़ी गीली गीली होती है तभी अच्छी लगती है। तो देखिए, उसके लिए हमने इसमें 1/2 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से अब हम कुक होने देंगे फिर से, जिससे कि पनीर और सारी चीज़ों का फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से आ जाए। तो अब हम इसको ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए, जब तक हमें इसमें चीज़ डाल, मैंने कहा था ना थोड़े ट्विस्ट के साथ बनाया। तो देखिए,
हमने अभी तक इसके अंदर दही नहीं ऐड किया था, तो देखिए अब हम इसके अंदर थोड़े से हम काजू ऐड कर देंगे और साथ ही 1/4 कप के करीब हमने इसमें दही लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश ही लेना है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। इस बारीक पेस्ट को ही हम इसके पनीर भुर्जी के अंदर ऐड कर देंगे, इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। तो काजू डालना एक ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको एक बार बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए सारा पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है, तो अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए फिर से कुक करेंगे, क्योंकि हमने जो काजू डाला है और दही डाला है दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो जानी चाहिए। और दही फट जाता है इसलिए काजू डाला है, तो उसके साथ दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। ऑलरेडी इसके अंदर बेसन डल ही चुका है। तो देखिए 5 से 10 मिनट हमने इसको ढक के अच्छे से लो फ्लेम पे कुक कर लिया था। तो देखिए पनीर भुर्जी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो देखिए अब हम इसके ऊपर एक तड़का लगाएंगे, जिससे इसमें और बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो देखिए 1 चम्मच हमने घी डाला है और 2 क्यूब्स हमने बटर के ऐड कर दिए। इसको अच्छे से कुक होने देंगे, हल्का सा गर्म हो जाएगा। तुरंत ही हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच हमने देगी मिर्च ऐड की है और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। तुरंत ही हम इस तड़के को भुर्जी के ऊपर डाल देंगे, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। देखिए हमने तड़का भी इसमें ऐड कर दिया है और बारीक कटा हुआ हम धनिया ऐड करेंगे। अमृतसरी पनीर भुर्जी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चाहे आप ब्रेड से खाइए, चाहे तंदूरी रोटी से खाइए, चाहे परांठे से, जैसे आपको अच्छे लगे वैसे आप इसको इंजॉय करें। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी पनीर भुर्जी बनके तैयार हो चुकी है। तो देखिए मैंने तो इसके साथ तंदूरी रोटी बनाई थी, उसका वीडियो मैं आगे ज़रूर दिखाऊंगी आपको। बहुत ही बढ़िया लगी थी तंदूरी रोटी और पनीर भुर्जी, मज़ा आ गया था खा के। तो ये तंदूरी रोटी भी मैंने घर पे ही बनाई और बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बनी थी और बहुत ही बढ़िया। इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप देखिएगा उसको भी। ओके बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।